श्री संतोष एग्रीकल्चर्स एंड मशीनरी स्टोर सागन जौनपुर। बता दें कि किसान भाइयों का अपना पसंदीदा विश्वसनीय दुकान श्री संतोष एग्रीकल्चर्स यूनियन बैंक के पास सागंज जौनपुर। मोबाइल नंबर 9984656555, दूसरा नंबर 8090600816। बता दें कि सभी कृषि के सामान सस्ते और अच्छे रेटों पर उपलब्ध, क्वालिटी और गुणवत्ता का मात्र एक विश्वसनीय दुकान श्री संतोष एग्रीकल्चर्स एंड मशीनरी स्टोर। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं कि शनिवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, 5 लोग हुए घायल, एक महिला समेत एक व्यक्ति की हालत नाजुक। बताते घने आबादी के बीच में किया जा रहा विस्फोटक कारोबार। जौनपुर थाना मड़ियाहों के अंतर्गत भंडरिया टोला पाली में अचानक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें मकान का छत टीन सेट पक्के पर छक्के उड़ गए, जिसमें काम कर रहे 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों की स्थिति नाजुक है, जिन्हें हम एम्बुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां पर मुश्ताक अहमद पुत्र बाबू मियां 50 वर्षीय और गुड़िया पत्नी शमसाद 50 वर्षीय की हालत नाजुक दिखाई दिया, जिन्हें जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनिल कुमार शर्मा मौके पर पहुंचकर दोनों के इलाज हेतु अपना काम शुरू कर दिए। बता दें कि अचानक विस्फोट की आवाज सुनते हुए क्षेत्र में हड़कंप मच गया, लोगों की चीख पुकार सुनकर लोगों ने पुलिस को किया। सूचना मिलते ही उपजिला अधिकारी मरियाम अर्चना ओझा, तहसीलदार अमित त्रिपाठी, नायब तहसीलदार संतोष कुमार सिंह सहित पूरी राजस्व टीम और मड़ियाहों क्षेत्र अधिकारी और थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत बचाव में जुट गए। मौके पर फायर ब्रिगेड दस्तक भी पहुंचकर आग बुझाने के लिए प्रयास करने लगा। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और इस स्थिति पर जांच जारी है। आइए देखते हैं जौनपुर ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार सैनी की रिपोर्ट। ये जो घटना हुई है किस जगह पे हुई है? ये भंडरिया टोला पाही मड़ियाहों। अच्छा, इसमें आपको क्या जानकारी है सर? हमें भी मोबाइल द्वारा सूचना मिली, मैं भी मौके पर आया कि यहाँ पर पटाखा बनाया जाता था दिवाली के मौके पर, और भरी एकदम घनी आबादी के बीच में ये है। मुझे समझ में नहीं आता प्रशासन ने किस तरह से यहाँ पर परमिशन दे रखा है, ऐसे आबादी के बीच में इस तरह का काम हुआ। बहुत बड़ी घटना घटी है, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं उसमें परिवार के। देखना ये है कि उसमें कितने अब अंदर दबे हुए हैं। अभी तो राहत का काम चल रहा है। नहीं सर, हमको जैसे पता चला कि 2 बच्चे समेत 5 लोग जो है बड़ी बुरी तरह से जले हुए हैं, और यहाँ के सूत्रों से पता चला कुछ लोग अभी अंदर दबे भी हुए हैं। तो क्या प्रशासन अपना कार्य बखूबी कर रही है? नहीं, प्रशासन है, फायर ब्रिगेड के लोग हैं, प्रशासन है, सीओ साहब, कोतवाल साहब, सारे पुलिस महकमा यहाँ पर है। अब अंदर मलबा है क्योंकि पटाखा है, हिम्मत किसी की नहीं हो रही कि अंदर घुस के उस मलबे को हटाया जाए और देखा जाए कि कितने लोग उसमें दबे हुए हैं। उनके परिवार द्वारा ये सूचना इकट्ठा की जा रही है कि क्या कोई अंदर हो सकता है कि नहीं, उसी को पुलिस वाले और यहाँ के नागरिक सब लगे हुए हैं उसमें। धन्यवाद सर। प्राथमिक सूचना मिली है अभी अभी कि भंडरिया टोला थाना मड़ियाहों छत का मामला है कि वहाँ पटाखा बिक्रय हो रहा था, उसमें पटाखे में विस्फोट होने की वजह से 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज हेतु तत्काल रवाना किया गया है हॉस्पिटल में, डॉक्टर द्वारा उनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मौके पर सीओ, एसडीएम और सारी टीमें वहाँ पर मौजूद है, अन्य विधि कार्रवाई की जा रही है। आस्था सेवा सदन एवं फिजियोथेरेपी सेंटर, नई सब्जी मंडी मछली मार्केट के पीछे, आजमगढ़ रोड सागंज जौनपुर। दूसरा हॉस्पिटल आस्था फिजियोथेरेपी सेंटर, सागंज रोड अंबारी आजमगढ़। डॉक्टर एस के यादव, डॉक्टर आर एस यादव, प्रोप्राइटर डॉक्टर राम सुधाकर यादव। मोबाइल नंबर 7717-8376। शिखा मेडिकल्स अंबारी आजमगढ़, डॉक्टर आर के पांडे चर्मी रोग विशेषज्ञ। मिलने का समय प्रत्येक बुधवार समय 10 बजे से 2 बजे तक, प्रोप्राइटर डॉक्टर सत्यप्रकाश यादव। शिखा मेडिकल्स फुलपुर रोड अंबारी आजमगढ़।